everyone, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So aaj main bilkul bare face baithi hu just because I'm going to do a review on a foundation. To main aaj apna sara makeup yahi karne wali hu. Foundation I'm going to review today is L'Oreal Paris ka Infalliable 24 hour foundation. Ye foundation last year launch hua tha, but the brand was kind enough to send the PR package. I have almost all the shade over here with me. This is how the PR package came in, and जब हम ऐसा ओपन करते हैं सो देयर इज ऑल द फाउंडेशन शेड्स. यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट द फाउंडेशन, प्लस आई एम गोइंग टू शो यू द स्वाचेस ताकि आप अपना शेड पिकअप कर सको एंड आपके लिए ईजी रहे. एंड अगर कोई भी क्योरीज है फाउंडेशन से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके लिए वहाँ अवेलेबल होंगी. सो यस, नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. अभी अपना फेस वॉश करा है एंड फेस पैक अप्लाई करा है, सो मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन है. मैंने मॉइस्चराइज नहीं कराया है, तो मैं मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यूज करूंगी एसेंस L'Oreal Paris का रिवाइटल लिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस. मैंने इस पर डेप्थ इन वीडियो बना रखी है. ये आजकल मेरा अल्टीमेट फेवरेट एसेंस चल रहा है. लाइक मैं मॉइस्चराइजर की प्लेस पे सिर्फ इसे ही यूज़ कर एंड आई हैव बीन लविंग इट. मैंने इसे अपने स्किन केयर रूटीन में भी शो करा है. अगर वो वीडियो लाइव जा चुकी है तो यू विल सी इट, नहीं गई है तो देखने के लिए इंतजार करिए. सो आई जस्ट राइट नाउ बिफोर मूविंग अहेड मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करूंगी यहाँ पर, बट लेट मी जस्ट टेल यू इसका प्राइस क्या है. दिस रिटेल्स फॉर 750 रुपीज ओनली. लाइक दैट्स एन अमेजिंग प्राइस. आपका अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है ये. अंडर 1000 रुपीज में आप इजिली इसे बाय कर सकते हो एंड यू गेट 30 ml ऑफ द प्रोडक्ट. एंड दिस इज अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. आप किसी भी L'Oreal के स्टोर से इसे बाय कर सकते हो या फिर आई गेस नॉर्मल शॉप्स पे भी अवेलेबल होता है, ब्यूटी स्टोर. वॉट दे क्लेम, लेट मी जस्ट रीड वॉट ऑल दे क्लेम, बिकॉज यहाँ पर पीछे हमें सब कुछ लिखा मिल जाता है जो भी वो कहते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट दे सेज इज इट इज अ लास्टिंग डेमी मैट फिनिश, नेवर डल्स, नेवर फ्लैट. देन इट्स फिनिश इज डेमी मैट, वेयर अप टू 24 आवर्स. नाउ दैट्स अ अच्छा खासी वाला क्लेम, 24 आवर्स. कोई भी अपना फाउंडेशन आगे 24 आवर्स नहीं पहनता अनटिल एंड अनलेस आप केबिन क्रू हो, या फिर मोस्टली हम लोग 6 to 7 hours, मैक्सिमम अप टू 10 hours पहन लेते हैं फाउंडेशन, या फिर 12 hours, उससे ज़्यादा तो नहीं पहनते हैं. कवरेज, इट गिव्स यू अ मीडियम कवरेज, मतलब बिल्डेबल है या नहीं वो भी हम चेक करेंगे. टेक्स्चर वाइज इट इज़ एयर लाइट. सो एयर अहेड हम इनकी पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं. दिस कम्स इन दिस सॉर्ट ऑफ अ ट्यूब लाइक पैकेजिंग. इस पर लिखा है फॉन्ट L'Oreal का पैरिस एंड फॉन्ट जो है L'Oreal Paris का. देन इट सेज अप टू 24 आवर्स फाउंडेशन इनफैलिएबल प्रो मैट. यहाँ पर आपको छोटा सा अपना स्टिकर मिल जाता है अपने शेड का, दैट इज मेरा जो शेड है 106 सन बेज. इट सेज इट गिव्स यू डेमी मैट फिनिश, एयर लाइट, ऑयल फ्री एंड नीचे 30 ml लिखा है. अकॉर्डिंग टू द शेड रेंजेस, यहाँ पर हमें 10 शेड रेंजेस मिल जाते हैं. फेयर, मीडियम, वीटेज, डस्की स्किन टोन्स के लिए आपको शेड मिल जाएगा. एक्सट्रीम अगर आप थोड़ा डस्की स्किन टोन से आते हैं तो उसके लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई कलर मैच करेगा. दिस इज 101. दिस इज 102. दिस इज 103 नेचुरल बफ. This is 104 golden beige, 105 natural beige, this is 106 sun beige, this is 107 fresh beige, this is 108 caramel beige. नाउ यू गाइस कैन सी कि जो स्टार्टिंग के 4 शेड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पिंक अंडरटोन में है. लाइक फेयर स्किन टोन पे या फिर जिनकी पिंक अंडरटोन है उन पे बिल्कुल सूट करेंगे. एंड जो लोग इंडियन स्किन टोन के वॉर्म येलो एंड वॉर्म येलो स्किन टोन के हैं, लाइक मीडियम या फिर डस्की स्किन टोन में आ जाते हैं या वीटे स्किन टोन में, उन पे ये सारे 5, 6, 7, 8 विल सूट. 109 एंड 110 भी 2 शेड्स हैं इसमें, टोटल 10 शेड्स हैं. 109 एंड 110 मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं रिसीव हुए हैं. सो दीज आर ऑल द 8 शेड्स एंड लेट मी सी मेरा शेड कौन सा है. प्राइस हो चुका है. आई एम गोइंग टू यूज माई ट्रस्टी प्राइमर. दिस इज दिस ब्लू हेवन का प्राइमर. ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, सो आई विल बी यूजिंग दिस प्राइमर.
All right, so मुझे color correct करना पड़ेगा. I have to use an orange color corrector under my eye bags. You can see बहुत ज़्यादा dark circles हो रखे हैं. So I'm going to use a color corrector. Okay, so मैंने color correct कर लिया. Now for one side I'm going to use a brush and one side में beauty blender use करूँगी. So let me just take the foundation on the back of my hand and I've taken this much. Consistency इसकी okay-ish है, runny नहीं है, thick नहीं है. It is good in consistency. Let me just see how it goes. Okay, so for this side I'm using a brush and I'll blend this up. This is how the side blended with the brush. इसकी coverage जो है that is medium. Of course जो उन्होंने कहा है वही है because I can see my black spots right in hair and yes. I'm squeezing it out once more और मैं इसे भी apply कर लूँगी. So this is how the foundation looks on me. Let me just see. Okay, I feel के जो beauty blender वाली side है उसमें उतना coverage नहीं है then to this brush वाली side, but beauty blender वाली side बहुत अच्छे से flawlessly blend हुई है and मुझे coverage ज़्यादा brush वाली side में मिली है, but ये आपको definitely medium coverage देता है. Let's just see कि ये buildable है या नहीं. बाकी I'm feeling very light on my face, literally very light. I can touch my face and there's nothing on my hand. Very light, literally very light. It gives you a skin like finish. So it is buildable foundation, definitely build up हुआ है और cakey नहीं लग रहा है, ना ही कहीं से patchy हो रहा है. Definitely ये matte sort of foundation है, extreme matte नहीं है, demi matte finish देता है ये आपको और बहुत ही lightweight है. मैंने इसे second time layer up कराया but मुझे बिल्कुल heavy नहीं लग रहा है face पे कि I've gone with a blurred out blank foundation जो एकदम matte कर देता है. ये matte है, demi matte है and ये बहुत ही light finish देता है. You can put your hand on it like so और कुछ भी नहीं transfer होगा. Let me just complete this side of my face also. बहुत जल्दी blend हो जाता है, मुझे ज़्यादा work नहीं करना पड़ रहा है. It is like आप बस dab करो and it's all blended into your skin. तो बहुत जल्दी blend हो जा रहा है. You can see the finish again. So definitely मुझे brush से ज़्यादा coverage मिली है than to a beauty blender. But beauty blender ने बहुत beautifully product को apply करवाया है पूरे face पे. हम transfer test करके देखते हैं इसका because मैंने अभी इसे freshly apply किया है. Let's just see कि कितना transfer होता है phone की screen पे भी और एक napkin पे भी. I have a napkin over here. There is nothing transferred on this napkin. Literally मतलब कुछ भी transfer नहीं हुआ. तो ये definitely transfer proof foundation है. That is going to last because अगर foundation आपका transfer proof है तो वो long last करता है. Let me just see the phone screen वाला test because अक्सर आपका foundation phone की screen पे cling कर जाता है. There's nothing again. टेस्ट इसका पास रहा है. अब हम इसका वाटर टेस्ट करेंगे बिकॉज जब आप 24 आवर फाउंडेशन सोच रहे हो और आपको एक क्लेमिंग मिल रही है कि 24 आवर फाउंडेशन लास्ट करेगा तो एक चीज़ जो आपके दिमाग में आती है क्या ये वाटर प्रूफ है या नहीं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रेंच माई होल फेस इन टू वाटर एंड देन हम टेस्ट करेंगे कि ये वाटर प्रूफ है कि नहीं. ठीक है, क्या होता है.
again. There's nothing. कुछ भी नहीं है. And let me just see कि कितना निकल कर आया है. Oh my god. It didn't budged from anywhere. That's a thumb up. Can you see कि कहीं से भी ये बज नहीं हुआ है. The foundation is as it is. एक दो शेड लाइटर इसी फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ टू टेस्ट इट एज अ कंसीलर ऑल्सो. और ये शेड है मेरा 104 गोल्डन बेज और मैं इसको एज अ कंसीलर अप्लाई करूँगी. आ रहा है कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा. यू डोंट हैव टू बी लाइक मैंने फाउंडेशन लगाया है और मैं छू नहीं सकती बिकॉज वो निकल जाएगा या कुछ भी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड द अंडर आइज फ्रॉम द पॉइंटियर साइड. अगेन आई गेव इट क्वाइट सम सेकेंड्स ताकि ये थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए मुझे और कवरेज मिले. और इतनी देर में ये ड्राई नहीं हुआ कि बहुत ही पैची सा हो रहा है. ईजिली ब्लेंड हो गया. जस्ट कम्प्लीट माई होल फेस ताकि मैं देख सकूँ कि पाउडर्स एंड हाइलाइटर्स एंड ब्लशेस कैसे सेट होते हैं इस पर एंड क्रीम्स एंड ऑल ताकि हमें ओवरऑल व्यू पता चले, ओवरऑल लुक पता चले कि इस फाउंडेशन का कैसा ये वर्क कर रहा है. सो आई बी बैक. बिफोर मूविंग हम इसका ऑक्सीडेशन टेस्ट भी चेक करेंगे. सो मैं अपना 106 सनबेज जो फाउंडेशन है उसको थोड़ा सा एक स्वैच यहाँ पर दे देती हूँ ताकि जब मैं अपना पूरा मेकअप कंप्लीट कर कराऊँ तो मैं एक फ्रेश स्वैच दे सकूँ एंड विल सी कि ये ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं. सो आई डू इट लाइक ऑल राइट यू गाइज. आई एम बैक एंड मैंने अपना पूरा फेस कंप्लीट कर लिया है एंड लेट्स जस्ट सी कि ये जो हमारा ड्राई हो गया है फ्रेश स्वैच लेकर देखते हैं कि ये ऑक्सीडाइज होता है या नहीं. और अभी तक मैंने अपने पूरे फेस पे पाउडर्स एंड क्रीम्स के साथ वर्क करा. नथिंग बज्ड. कोई भी चीज़ ऐसा नहीं हुआ कि क्लंगी सी हो रही है या कुछ भी नहीं. द फाउंडेशन सेटल्ड वेरी ब्यूटिफुली, वेरी गॉर्जियसली एंड देर वॉजेंट एनी ब्रेकेज ऑन माई फेस. एंड वन थिंग मोर, मेरे फेस पे वैसे भी टेक्स्चर नहीं है, ना ही मुझे इस फाउंडेशन ने कोई भी टेक्स्चर दिया. सो दिस वर्कड अमेजिंग फॉर मी. लेट्स जस्ट सी कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है या नहीं. हेयर इज द स्वैच, वो उतना विजिबल नहीं है बिकॉज वो मेरा ही शेड है. So let me just show you the fresh swatch of it. Okay, it so it did oxidized. Like ये बहुत orange है and this is somewhat golden in color. ये golden है, ये orange हुआ है तो there was a teeny mini sort of oxidation. But आप मेरे face पे देख सकते हो बिल्कुल कुछ अलग नहीं लग रहा है. मेरा face is like matching to my चेस्ट एरिया. सो ये सबकी अलग होती है बट द चेस्ट एंड द फेस मैचेस हमेशा. आई थॉट टू गिव यू अ लुक इन अ नेचुरल लाइट. लाइक मैं आर्टिफिशियल लाइट्स में शूट करती हूँ सो आई थॉट कि आपको सनलाइट में देखना चाहिए ये फाउंडेशन कैसा लगता है. सो दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स राइट नाउ. वेरी ब्यूटिफुल, वेरी गॉर्जियस एंड वेरी स्किन लाइट. अलग से लग नहीं रहा, मैंने बहुत हेवी फाउंडेशन यूज़ करा है. दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स लाइक. So with that, let's just sum up. In total, मुझे ये foundation कैसा लगा? Amazing. One word, gorgeous. Literally, the foundation is amazing. You should go for. जब आप एक 750 या 700 या 600 तक का foundation normally buy करते हो market में, तो ये बिल्कुल भी pricey side में नहीं है. बहुत affordable range में आ जाता है. Color shades बहुत beautiful है. या आपके face को texture नहीं देता. अगर आपके face पे texture है, तो नहीं देगा. और मेरे face पे बिल्कुल texture नहीं है. इसने मुझे दिया भी नहीं. It settled वेरी ब्यूटिफुली, इमीडिएटली सेटल डाउन हो जाता है. स्किन लाइट फिनिश देता है. आप इजिली अपने हाथ को अपने फेस पे घुमाते रहो, आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा. दिस इज वाटर प्रूफ, दिस इज ट्रांसफर प्रूफ, दिस वर्क्स अमेजिंग, दिस लॉन्ग लास्ट एंड ओवरऑल द फाउंडेशन लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. मुझे बहुत पसंद आया एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई दिस वन आउट. येस, विद दिस आई एंड ऑफ दिस वीडियो. होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो एंड आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स. बाय बाय.